हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। आई एम सुमन और आज मैं आपको DU एडमिशन का जो रिलीज आया हुआ है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे है, उसके बारे में बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब तक होंगे, प्रोसीजर क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में डायरेक्टली आपको साइट पर विजिट कराती हूँ, मैं साइट पर विजिट करा के आपको बताती हूँ कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये सारे कोर्सेज के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कि लास्ट डे 4 जुलाई है, इसकी लास्ट डे आपको एप्लीकेशन भेजने की 4 जुलाई है, तो आप 4 जुलाई तक भेज लेंगे। आपको ये डाउट होगा कि अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो इस मैटर पे वो बाद में डिसीजन हो जाएगा कि कैसे लेना है। मेरिट वाले जिस पे मेरिट लिस्ट बनती थी उस पे अभी भी मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो मेरिट लिस्ट जो है कब बनेगी, जब आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा आफ्टर दैट। तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए एक क्राइटेरिया है, केवल कुछ बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो चलिए हम सीधे उसके वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए ये है, होम है, DU का ये होम पेज है, DU.ac.in। तो हम इसको ओपन करेंगे, मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये पूरा आपका ओपन होके इस तरह का पेज आ गया। प्रेस रिलीज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, PhD एडमिशन पोर्टल है, PG एडमिशन पोर्टल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेट आप इसका जो है देख लेंगे कब है, लेकिन 4 जुलाई इसका जो है लास्ट डेट है, 4 जुलाई के इसके इसको 4 जुलाई तक आवेदन करना है इसमें। और इसमें जो है, जैसे कि आपको म्यूजिक कोर्स वगैरह है, म्यूजिक कोर्स वगैरह के लिए जो बच्चे परेशान ना हो कैसे जाएगा, उनके लिए आपको अपना म्यूजिक का जो है एक वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। और स्पोर्ट कोटे वाले को इस बार क्या किया गया है, इन्होंने ECA में जो है केवल NCC और NS के लिए आवेदन लिया जाएगा। स्पोर्ट के सभी क्षेत्रों में छात्रों को सर्टिफिकेट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। चलिए हम सीधे जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स को ओपन करते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टूडेंट। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आपको ओपन करना है और कई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि दिस पोर्टल कैटर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट DU। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रजिस्टर, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक यू मे फेस डिले इन सबमिटिंग योर फॉर्म। Kindly do not wait for last day of registration to pay the fee completely। मतलब इसमें रिक्वेस्ट की हुई है कि आप, इतना ट्रैफिक हो जाएगा उस पर ऑनलाइन प्रोसेस में कि आप जो है ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा के फीस स्लिप बाद में जमा करेंगे, आपको उसी समय जमा सबमिट कर देना चाहिए। दिस इज एन इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बोथ मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस टेस्ट, ये दोनों के लिए है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरिट वालों के लिए अलग है, एंट्रेंस के लिए अलग है। तो स्टूडेंट रजिस्टरिंग फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन विल बी रजिस्टरिंग फॉर ऑल कॉलेज एंड कोर्सेज फॉर द यूनिवर्सिटी। तो अगर मेरिट बेस वाले आप कर रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी में आप करेंगे। तो ये आपका रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन वगैरह दिया हुआ है, पासवर्ड है और ये डिटेल है। हम सीधे चलेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट, यहाँ ओपन करेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे नेम एंड अदर डिटेल एंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू सेम एज इन क्लास 12th। आप ये ध्यान रखिए, जो आपके 12th के बोर्ड में आपका जो नाम है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो उसके आधार पे जो है आप अपना फिल करेंगे, बिल्कुल इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक और कैपिटल में है तो जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे करेंगे। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर ईमेल एड्रेस ओनली। उनका जो ईमेल एड्रेस एक रजिस्टर कराया है उसी से वो जाके करेंगे। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ हिज और ओन एक्टिव ईमेल, और एक्टिव ईमेल करेंगे क्योंकि जो भी मेल आएगा उसी पे आएगा। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल, एंड आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल है कि नहीं। एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर फिल अप द फॉर्म, क्योंकि ट्रैफिक सोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन और टू UG कोर्सेज है आपका 2020। ये फुल नेम है,
अकॉर्डिंग टू 12th मार्कशीट, फिर ईमेल वगैरह भरना है, री इंटर एप्लीकेंट ईमेल को दोबारा भरना है, पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें, फिर इसको रजिस्टर कर देना है। जब इसको रजिस्टर करेंगे तो हालांकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये ओपन किया है, आपको क्या करना है सीधे इसमें रजिस्टर कर देना है। तो हम जब रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपका पीजी एडमिशन पोर्टल भी है, हम बैक जाके देख सकते हैं। जैसे पीजी एडमिशन पोर्टल में आपका है तो वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का है, इसमें भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और टू सीक एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वगैरह का इसमें डिटेल है, सब कुछ आप देख लेंगे। यूनिवर्सिटी सर्व द राइट टू रिवाइज डेट रिवाइज कर सकता है। ओनली अ सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन से सिंगल, इसमें सारा आपको डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो जब इसको आप विजिट करेंगे आपको जो है यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ आप देख लेंगे। फ़ी पेमेंट जो है उसका दिया हुआ है, हेल्प नंबर दिया हुआ है आपका, और कब तक है ये भी दिया हुआ है, और लास्ट डे इसका जो है वो 4 जुलाई है, लास्ट डे 4 जुलाई है। और जो है इसमें एक चीज़ और दिया है, एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, जो है नॉन रिफंडेबल है। ये आपको एक पूरी जो है ये डिटेल है आपकी, और डेट आप ध्यान रखेंगे कि 4 जुलाई तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि एमफिल एडमिशन का भी देखिए आ चुका है, एमफिल का भी ये सब कुछ है। तो ये जितना हो सके इस वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक चला जाए, और जिनको फिल करना है फॉर्म वगैरह DU में, वो क्योंकि DU में एक ड्रीम होता है लोगों का कि मैं DU में स्टडी करता हूँ या करती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों तक काफ़ी कम टाइम है, मुश्किल से 14 दिन 12-13 दिन उन्होंने दिए हैं, तो इतने देर में हमें सभी तक ये मैसेज देना है। तो काइंडली इस मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।